एमपी में नदियां उफान पर है, बारिश का दौर जारी है और अब जो अलर्ट है वो आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश के इलाकों के लिए है। ये अलर्ट जो है ये इस ओर मौसम विभाग साफ इशारा कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि अब आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर और दिखेगा। कुछ जगह तो राहत है लेकिन नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा बारिश की आशंका या अनुमान जिसे कहते हैं वो मौसम विभाग बता रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जहाँ पर ज्यादा बारिश की बात आ रही है सामने, वो मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में जो जिले हैं वो हैं सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ओरछा, छतरपुर यानी बुंदेलखंड, खजुराहो, कटनी, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर, शिवपुरी, दतिया, रतनगढ़, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, बांधवगढ़, चित्रकूट, शहडोल और ये तमाम वो इलाके हैं जिनमें भारी बारिश की बात कही जा रही है। और ये इलाके महाकौशल और बुंदेलखंड के ज़्यादातर ज़िले जो हैं इस भारी बारिश से प्रभावित होंगे। आपको पता है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय, यही वजह है कि कई ज़िलों में जो है बाढ़ जैसी स्थिति भी नज़र आती है और कहीं पर पानी उफान पर है और पानी देखा जा रहा है। हालांकि हल्की वर्षा की बात भी मौसम विभाग की तरफ से कही गई है जो कि मंदसौर के लिए है और नीमच के लिए है, श्योपुर कला के लिए है, गुना के लिए, अशोकनगर के लिए है, रायसेन के लिए है, सीहोर, नर्मदापुरम, सिंगरौली, छिंदवाड़ा की बात भी कही गई है बारिश के लिए। मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैं एसएन साहू, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, रीवा संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, नर्मदापुरम, इंदौर, सागर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े हैं बरघट 15 सेंटीमीटर, सागर 14 सेंटीमीटर, रीवा 10 सेंटीमीटर, देवसर, बांदा और गैरतगंज में 9 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ऊपर मानसून ट्रफ होने की वजह से रीवा, शहडोल, इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा तथा बाकी के जो संभागों के जो जिले हैं वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। भोपाल में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अभी मानसून जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आएगा। यही वजह है कि मानसून का असर जो है वो दिख रहा है। बीच में थोड़ी सी बारिश से राहत मिली थी लेकिन एक बार फिर जो है बारिश जो है वो तेजी से कई जिलों में देखी जा रही है और आलम यह है कि भारी बारिश की स्थिति है। अब मौसम विभाग का अनुमान जो है वो ये है कि आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश जो है भारी बारिश से प्रभावित रहेगा और यही वजह है कि इन जिलों के लिए विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। नदी नाले तूफान पर हैं कई जिलों में, लेकिन हाँ मौसम जो है उसका प्रभाव जो है उसमें बारिश का वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग मध्य प्रदेश के इन जिलों के लिए जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे उसके लिए विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया, बताया गया है कि यहाँ पर बारिश हो सक ज़्यादा होगी, अनुमान लगाया गया है। कुछ जिले जो ऐसे हैं वहाँ पर सामान्य बारिश के आसार मौसम विभाग ने बताए। भोपाल से आप तक पहुँचाइए जारा संख्या में आपको।